लिंकेज क्योंकि दो बार ग्रुप जुड़ रहा है। form, -nucleotide. Nucleotide form, और पॉलिटाइड चेन बना लेती है इन आर एन ए न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट एट सेकेंड पोजिशन इन राइबोस जो आर एन ए मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट कि सेकेंड पोजिशन पर ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है एंड यूरेसिल इज़ फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन और आर में यूरेसिल की जगह थाइमिन की जगह पर यूरेसिल मिलता है नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस बताए गए हैं डी और आर में फर्स्ट है द शुगर प्रजेंट इन डी एन ए इज़ टू डी जो डी एन ए में जो शुगर मिलती है वो टू डी मिलती है यानी कि सेकेंड पोजिशन पर ओ ग्रुप अप्सेंट है ओ नहीं है इसलिए टू डी ऑक्सीराइबोज खोला गया है और यहाँ पर है द शुगर प्रजेंट इन आर एन ए इज़ राइबोज यानी कि राइबोज शुगर दे रखा है नेक्स्ट है डी एन ए कंटेन साइटोसिन एंड थाइमिन एस प्रिमिडिन बेसिस एंड ग्वानिन एंड एडेनिन इन प्यूरिन बेसिस जो डी एन ए यहाँ पर प्रेमिडिन बेसिस में मिलेंगे आपको साइटोसिन और थाइमिन जबकि यहाँ पर प्यूरिन बेसिस में आपको मिलेंगे ग्वानिन और एडेनिन आर एन ए में दे रखा है आर एन ए कंटेन साइटोसिन एंड यूरेसिल एस प्रिमिडिन बोन्स में यहाँ पर मिलेगा आपका साइटोसिन एंड यूरेसिल एंड जो आपके प्यूरस हैं यहाँ पर आपको मिलेगा ग्वानिन एंड एडिनिन नेक्स्ट है डी एन हैज डबल स्टैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डी एन ए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जबकि जो आर एन होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है नेक्स्ट है डी एन ए मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज देयर मॉलिक्यूलर मास में वेरी फ्रॉम सिक्स इंटू टेन टू द पावर सिक्स टू सिक्सटीन इंटू टेन टू द पावर सिक्स जो डी है उसका मॉलिकुलर मास काफ़ी ज़्यादा हाई होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बेसिस और बाकी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है जबकि आर एन ए आर एन ए मोलिकुल्स आर कम्पेरेटिवली मच स्मॉलर डीएनए के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे होते हैं विद मॉलिकुलर मास रेंजिंग फ्रॉम ट्वेंटी थाउजेंड से फोर्टी थाउजेंड यूनिट इतने प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंस डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन जो डीएनए होता है उसके पास रेप्लिकेशन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है रेप्लीकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाने की क्षमता और यहाँ पर आर एन ए यूजली डज नॉट रेप्लीकेट आर एन ए में कोई भी रेप्लीकेशन की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है नेक्स्ट है आर एन ए कंट्रोल डी एन ए आर एन ए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिट्री इफेक्ट सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर आर एन ए दे रखा है यहाँ पर डी एन ए होगा जो डी एन ए हैं वो हमारे हेरिडेट्री इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जबकि आर एन ए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आरएनए प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है स्टूडेंट